बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तुर्क फौज के टैंक और मुतादिद बख्तर बंद गाड़ियाँ शाम में दाखिल हो गई हैं। अमरीका का इंतबाह, शाम में तुर्की का ऑपरेशन इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिश है। अमरीका अफरीन से रूसी फौज निकालने की तरदीद। तफसीलात, तुर्क फौज ने शाम के कुर्द अक्सरियती इलाके अफरीन पर हमला कर दिया है। तुर्क फौज की जानिब से अफरीन में कुर्दों के ठिकानों पर जमीनी और फजाई हमले जारी हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने तुर्क फौज की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने अफरीन में तुर्क फौज की कार्रवाई को शाम में अदम इस्तेहकाम की साजिश करार दिया है। तुर्क फौज के टैंक और बड़ी तादाद में बख्तर बंद गाड़ियाँ शाम के अंदर दाखिल हो गए हैं। कबल अजीम जुमेरात को अमरीकी वजारत खारजा ने तुर्की पर शाम में फौजी कार्रवाई से गुरेज पर जोर दिया था। अमरीकी हुकाम ने तुर्क फौज की शाम में मुदाखलत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तुर्क वजारत खारजा के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि शुमाली शाम में तुर्क फौज की कुर्द जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई शाम में अदम इस्तेहकाम का मौजूद बन सकती है। दरी असना रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि शुमाली अफरीन में और के इतराफ में मौजूद रूसी अफवाज को वहाँ से नहीं निकाला गया। उन्होंने अफरीन से रूसी फौज की अज़ाहरा की तरफ निकाले जाने की इत्तला की तरदीद की। लारोफ का कहना था कि शुमाली शाम में अमरीका की जानिब से एक नई फोर्स की तश्कील शाम की इबादत के मायदों के खिलाफ है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अहादीस में इसी इलाके का जिक्र है जहां ईसाई अफवाज जिनके साथ मुस्लिम फोर्सेस का अलायंस होगा और वो 80 झंडों के नीचे होंगे और वो जंग करेंगे, जिसके नतीजे में एक बड़ी जंग आर्मेगेडन, जिसे हर्ब जदून भी कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी। वीडियो वॉच करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।